हेलो दोस्तों, खुशखबरी अगर आप किसान, महिला, मजदूर या फिर गरीब व्यक्ति हो तो आपके खातों में आज से आएगी 4,600 रुपए की राशि। जी हाँ भाई, चार बड़ी योजनाओं के तहत आपके खातों में 4,600 रुपए की राशि डाली जाएगी। तो भाई, हम आपको बताएं किस प्रकार आज से आपके खातों में ये राशि आना शुरू हो जाएगी। साथ ही अगर आप खातों में ये राशि नहीं आई तो किस प्रकार आएगी, इसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो अंत तक पूरा देखना। साथ ही अगर आपके पास अभी जनधन खाता नहीं है तो आप जनधन खाता किस प्रकार खुलवा सकते हो, क्योंकि ये राशि जनधन खाते में ही आएगी। तो भाई, वीडियो अंत तक बिना काटे पूरा देखना। साथ ही पूरे देश में सर्वे करके जो लिस्ट तैयार की जा रही है इन रुपयों के लिए, अगर उसमें अपना नाम जुड़ना चाहते हो तुरंत वीडियो के नीचे अपना पूरा नाम कमेंट कर देना, ताकि आने वाले वक्त में हम आपका नाम लिस्ट में जोड़ देंगे और आपके खाते में भी ये राशि अगले महीने से आना शुरू हो जाएगी। तो भाई, वीडियो के अंत में अपना पूरा कमेंट बॉक्स में पूरा नाम जरूर कमेंट करना। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं। सामने भाइयों, वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, यहाँ से लाइक कर दें वीडियो को। फिर उसके बाद हम वीडियो को यहाँ पर तीर के बटन से शेयर कर दें। शेयर करते ही यहाँ पर फेसबुक या व्हाट्सअप, इन दोनों पर से किसी पर भी आप शेयर कर दो वीडियो को। शेयर करने के बाद भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब, ये बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ये बेल आइकन निशान आएगा घंटे का, इस घंटी पर बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। देखिए भाइयों, सरकार चार बड़ी योजनाओं के तहत आज से सभी खातों में 4,600 रुपए की राशि डालेगी। इसमें चार बड़ी योजनाएं कौन कौन सी है, बिल्कुल ध्यान सुने। जी हाँ भाइयों, पहली योजना है जनधन योजना। जनधन योजना के तहत सही महिलाओं के खाते में आज से 500 रुपए डलना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ भाइयों, सही महिलाओं के खाते में 500 रुपए की तीसरी किस्त आ चुकी है। इस प्रकार वो 10 जून के बाद अपने खातों में से 500 रुपए की तीसरी किस्त को भी निकलवा पाएंगी पूरे देश की महिलाएं। दूसरी बड़ी योजना है सभी श्रमिकों खाते में 1,000 रुपए की राशि सरकार ने डाल दी है। जी हाँ भाई, वो श्रमिक जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास मजदूर कार्ड या श्रमिक कार्ड है, उनके खातों में 1,000 रुपए की तीसरी किस्त जो कि लॉकडाउन में सरकार डालती है, वो आज से डालना शुरू हो चुकी है। तो भाइयों, आज से सभी श्रमिकों को खाते में 1,000 रुपए की राशि डालना शुरू हो जाएगी। वो सिर्फ उन्हीं श्रमिकों को खाते में आएगी जिनके पास मजदूर कार्ड या श्रमिक कार्ड है और जो कि रजिस्टर्ड है। जी हाँ भाइयों, जिनके मजदूर कार्ड अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, वो तुरंत श्रमिक विभाग में जाकर अपने श्रमिक कार्ड को ऑनलाइन करा ले। श्रमिक कार्ड ऑनलाइन होते ही आपका बैंक खाता आपके श्रमिक कार्ड से जुड़ जाएगा और आपके खातों में 1,000 रुपए की राशि आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार आप अपने श्रमिक कार्ड को ऑनलाइन करवा सकते हो। तीसरी बड़ी योजना है, सरकार ने सभी गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिए थे। उनको 3 महीने तक फ्री सिलेंडर देने का सरकार ने वादा किया था। उसके तीसरी किस्त यानी तीसरे सिलेंडर किस्त आज से डलना शुरू हो जाएगी 600 रुपए। इस प्रकार आपके खातों में आज से 600 रुपए की तीसरी किस्त आना शुरू हो जाएगी और सरकार के द्वारा जो सभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन है उनको तीसरी किस्त का लाभ मिलकर आज तीसरा सिलेंडर ले सकते हैं अपने इन रुपयों से। तो भाई, ये भी एक बड़ी खुशखबरी सरकार ने आज सभी को दे दी है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, अगर आप खातों में 600 रुपए की राशि नहीं पहुंच रही है गैस सिलेंडर की, तो आप तुरंत एजेंसी पर जाकर अपने आधार कार्ड को जुड़वा लें। साथ ही बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक करवा लें अपने बैंक खाते से। आप जैसे ही अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से बायोमेट्रिक करा लोगे, आपका सारा का सारा लाभ आपके खातों में पहुँचना शुरू हो जाएगा। साथ ही चौथी बड़ी योजना है, देश के गरीबों के खाते में सरकार डाल रही है 2500 रुपए की प्रति महीने राशि। जी हाँ भाई, 2 महीने की राशि सभी गरीबों के खाते में पहुंच चुकी है 2500-2500 रुपए करके। अब तीसरे महीने की राशि आज से डलना शुरू हो जाएगी, यानी कि पूरे देश के गरीबों के खाते में जो बीपीएल परिवार में आते हैं, सिर्फ वो परिवार जो बीपीएल में आते हैं और जिनको किसी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है, उन्हें खातों में 2500 रुपए का लाभ पहुंचेगा। बाकी एपीएल जो परिवार होते हैं उनको ये खाते का लाभ नहीं मिलेगा। तो बीपीएल परिवार के लिए खुशखबरी है, जो गरीब की श्रेणी में आते हैं उनके खाते में आज से 2500 रुपए की राशि आनी शुरू हो जाएगी। तो भाई, इस प्रकार ये सारा का सारा लाभ बनता है चार बड़ी योजनाओं के तहत 4,600 रुपए। तो आज से आपके खातों में 4,600 रुपए की राशि आना शुरू हो गई है। ये सारे देश के गरीबों के लिए खुशखबरी है। वहीं आपको बताना चाहते हैं, अगर इन सारी योजनाओं का लाभ आप खाते में नहीं पहुंच रहे तो क्या दिक्कत हो रही है आपके खातों में, ध्यान सुने। जिनके भी जनधन खाते आधार कार्ड से नहीं जुड़े हुए हैं उनके खातों में 1 रुपए का लाभ नहीं पहुंचेगा। तो तुरंत बैंक में जाकर अपने जनधन खाते को आधार कार्ड से बायोमेट्रिक करा ले, तभी जाकर आपके खातों में लाभ पहुंचेगा। क्योंकि सरकार जो खातों में लाभ पहुंचाती है वो डीबीटी के जरिए पहुंचाती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इस सिस्टम में होता क्या है कि जिनके आधार कार्ड से बैंक खाते जुड़े होते हैं उनके खातों में तो लाभ पहुंच जाता है, लेकिन जिनके आधार कार्ड अभी तक बायोमेट्रिक नहीं हुआ अपने बैंक खाते से, उन्हें खातों में लाभ नहीं पहुंचता है। तो तुरंत बैंक में जाकर अपने आधार कार्ड को बायोमेट्रिक करा ले, आपके खातों में लाभ पहुंचना शुरू हो जाएगा। साथ ही भाई, पूरे देश में सर्वे करके सरकार लिस्ट तैयार करवा रही है, अगर उस लिस्ट में अपना नाम जुड़ना चाहते हैं तुरंत वीडियो के नीचे अपना पूरा नाम बिल्कुल सही कमेंट कर देना, ताकि अगले महीने आपके खातों में लाभ पहुंच सके। तो अपना पूरा नाम नीचे अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करना। साथ ही जो भाई वीडियो को 5 या 6 ग्रुप में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करेगा, उसका नाम लिस्ट में हम तुरंत जोड़ देंगे और अगले महीने लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। इसलिए वीडियो को देखते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पर तुरंत शेयर कर दे, ताकि अगले महीने आपका नाम लिस्ट में आ सके। तो भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो भाई, वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।